हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है डिफरेंशिएशन, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जैसे हमने चेन रूल पढ़ा था ना, कि एक उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल था यू, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करते थे। सेम इसी तरह पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में है, बस डिफरेंस क्या है वो देखें। यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा टी। क्या आता है यहां पर? टी। और ये भी वही काम करता है जो यू किया करता था। देखो, एक बार यहां पर हम फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और यहां पर हम फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन क्वेश्चन रूल में क्या था? क्वेश्चन रूल में यहां पर होता था डी यू अपॉन डी एक्स, तो उसमें डी एक्स नीचे था। यहाँ पर दोनों जगह जो हमारा मेन वेरिएबल है ना, यहाँ पर क्या है? वाई, तो वाई ऊपर है, डी टी नीचे है। इसी तरह यहाँ पर डी एक्स ऊपर है और डी टी नीचे है। तो इस चीज़ में बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली भाई हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड तो यही करना है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डिफरेंस क्या है उसमें थोड़ा सा, और वो यहाँ पर आते हैं हम फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है डी वाई अपॉन डी टी? देखो, ध्यान रखना है डी वाई को पहले रखना है आपको। डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, तब बन जाएगा आपका ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो क्या हुआ, हम अब आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं इसको। हमें तो क्या चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, जो कैसे मिलेगा? डी वाई बाय डी टी इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। देखो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो फाइंड करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसी चीज को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन किस टाइप से होगा, तब आपको पता लगेगा कि पैरामेट्रिक का है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि इस टाइप से होता है क्वेश्चन इसका। इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड वाई इज इक्वल्स टू टू बी टी स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो देखिए हमें कैसे पता लगेगा पैरामेट्रिक अप्लाई करना है हमें, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर अलग है और वाई की वैल्यू यहाँ पर अलग है। और नॉर्मली हर क्वेश्चन में क्या होता था? सिर्फ होता था वाई इज इक्वल टू समथिंग, और वो एक्स की टर्म्स में होता था। यहाँ पर एक्स है टी की टर्म्स में, इसी तरह वाई भी है टी की टर्म्स में। तो टी तो एज अ वेरिएबल काम करेगा, बाकी जो भी है ए बी सी डी वो होगा हमारा कॉन्स्टेंट। तो सॉल्व करते हैं, देखो क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू टू बी टी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी? देखो टू और बी ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होने के, सिर्फ जो टी स्क्वायर है ये डिफरेंशिएट होगा। तो कितना आ जाएगा? टू टी, विच इज इक्वल टू 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 सा फोर, ये आ गया फोर बी टी। कितना आ गया? फोर बी टी। तो ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास? एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब ये लिखा हुआ था। यहां से हमें क्या फाइंड करना है? डी एक्स बाय डी टी। तो देखो ए तो कांस्टेंट है, ये क्या है? टी क्यूब। तो कितना आएगा? क्या हो गया? एक्स की पावर एन वाला अप्लाई होगा ना, थ्री टी स्क्वायर। तो दोबारा हम इसको लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू थ्री ए टी स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की भी और डी वाई अपॉन डी टी की भी। तो हमें तो फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? देखिए
डी वाई अपॉन डी एक्स कहता है कि एक बार तो हम वैल्यू रखें डी वाई अपॉन डी टी की, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी टी था 4 BT डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, कितना है 380 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये था ना डी वाई अपॉन डी टी, ये आना चाहिए डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ छोटी सी गलती थी। अब आ जाए क्वेश्चन पर, तो क्या होगा ये देखिए, इसको डिवाइड करना है ना, तो कितना बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 BT डिवाइडेड बाय 380 स्क्वायर। अब इस टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4B/380। क्या आंसर आ गया, 4B/380। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस तरह फाइंड करेंगे, एक बार हम फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, एक बार फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके यहां पर हम शो कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ एक्स इज इक्वल्स टू टी लॉग टी एंड वाई इज इक्वल्स टू लॉग टी अपॉन टी, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 1। ये तो बाद में समझेंगे हम कि टी इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। पैरामेट्रिक का पता कैसे लगेगा कि भाई एक्स की वैल्यू गिवन है टी के टर्म्स में, यहां पर वाई की वैल्यू गिवन है टी के टर्म्स में, तो क्या फाइंड करना है हमें, एक बार फाइंड करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी टी और एक बार डी एक्स अपॉन डी टी। तो स्टार्ट करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू लॉग टी अपॉन टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, देखो क्या लगेगा, अपॉन में है ना, तो क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा यहां पर, तो क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर क्या है डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, 1/x, यहां पर लॉग टी है तो कितना हो जाएगा 1/t, माइनस एक बार लॉग टी एज इट इज इनटू टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया, देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी टी आया 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर, ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू। दूसरा है हमारे पास एक्स, क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू टी लॉग टी, तो यहां से क्या फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहां पर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दो फंक्शन, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कितना आ जाएगा लॉग टी का 1/t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी, ये आ गई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी टी यानी कि 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू, या कहें डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग टी, ठीक है ना इतना, तो क्योंकि यहां पर डिवाइड है तो ये वाला टर्म जो है रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस लॉग टी।
तो ये आ गया हमारे पास वन माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग टी। ये तो आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू वन। तो यहां पर भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। टी इज इक्वल टू वन का क्या मतलब है? जहां पर टी लिखा हुआ है वहां पर हम क्या पुट कर दें? वन। तो हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू वन। तो देखो कितना आएगा, जहां जहां पर क्वेश्चन में टी है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे? वन। तो कितना बन जाएगा? देखो ये आया हमारे पास वन माइनस लॉग वन अपॉन, भाई टी था ना, टी की जगह बना गया, यहां पर क्या है टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन प्लस लॉग वन विच इज इक्वल टू। अब यहां पर आप देखें तो हमने बताया था आपको लॉग वन जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो वन माइनस जीरो कितना आ गया वन अपॉन, ये क्या है वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन होगा इंटू, यहां पर क्या है देखो वन प्लस लॉग वन, लॉग वन कितना है जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, आंसर आ गया हमारे पास वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब टी की वैल्यू वन है तो आंसर आएगा हमारे पास वन। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन होती है एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में और इसी तरह वाई की वैल्यू टी के टर्म्स में। तो एक बार तो हम फाइंड करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, फिर हम फाइंड करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। बट हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आता है? डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। फिर जो भी आंसर सॉल्व करके आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।